कि कुछ बूढ़े लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तब उन्होंने महादेव से पूछा कि बुढ़ापे में लोगों की बेकदरी क्यों होती है, कोई उनकी क्यों नहीं सुनता और उनका कोई सम्मान क्यों नहीं करता। माता उमा के ये प्रश्न सुनकर महादेव बोले, प्रिय पार्वती, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब सभी प्राणियों की उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें से मनुष्य को भी जीवन जीने के लिए 40 वर्ष दिए गए थे। तो चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा ने ही हर जीव की आयु तय की थी। उन्होंने गधे, कुत्ते, उल्लू और मनुष्य सभी की उम्र 40 वर्ष निर्धारित की। अब ये तीनों जानवर अपनी अपनी आयु सुनकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वहीं जब मनुष्य ने अपनी आयु सुनी तो उसका मन में बड़ा ही उदास हो गया, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि मानव जाति की महत्वाकांक्षा ये कभी खत्म नहीं होती, उसका मन है कभी शांति नहीं होता और वो हर समय लालसा से घिरा रहता है। उसने सोचा कि मैं सभी जानवरों में श्रेष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इनके बराबर ही आयु प्राप्त हुई। अब उस समय तो मनुष्य ने कुछ नहीं कहा और वो सभी वहां से चले गए। फिर कुछ समय बाद गधा भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे इतनी ज्यादा उम्र क्यों दी? मैं 40 वर्षों तक मनुष्य का बोझ उठाता रहूंगा, मुझे 40 वर्ष तक नहीं जीना, इसीलिए कृपा कर आप मेरी उम्र कम कर दें और केवल मुझे 20 वर्ष की आयु प्रदान करें। भगवान ब्रह्मा ने जब गधे की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी आयु कम कर देता हूँ, लेकिन तुझे अपनी आयु किसी को दान में देनी होगी। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने गधे की आधी उम्र मनुष्य को दे दी और इस तरह मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गए। फिर कुछ ही देर बाद ब्रह्मा जी के पास एक कुत्ता भागते भागते आया और वो बड़ा ही परेशान था। उसने भगवान से कहा कि आपने मुझे 40 वर्ष की आयु दी है, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं। मैं तो केवल इंसानों के घरों की रेख देख करता हूँ, लोगों का झूठा खाता हूँ और रात भर भौंकता रहता हूँ, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए अब ऐसा करे कि मेरी उम्र 20 वर्ष तक घटा दें। भगवान ब्रह्मा ने कुत्ते से कहा कि ठीक है, और इस तरह मनुष्य की उम्र 20 वर्ष और बढ़ गई और ऐसे मनुष्य की आयु कुल 80 वर्ष हो गई। फिर वहीं थोड़ी देर बाद उल्लू भी आया और वो भी बड़ी ही परेशान अवस्था में था। वो ब्रह्मा जी से रोते हुए कहता है कि प्रभु, आप मेरी उम्र भी कम कर दें, मैं रात भर सबकी रखवाली करता हूँ, पूरी रात जगता हूँ, लेकिन मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं, इसीलिए मैं 40 वर्षों तक जिंदा नहीं रहना चाहता और आप मेरी उम्र आधी कर दें। भगवान ब्रह्मा उल्लू की सारी बातें सुनकर उसकी उम्र भी कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उल्लू की उम्र भी केवल 20 वर्ष रह जाती है और उसकी आयु के 20 साल भी भगवान मनुष्य को दे देते हैं। और दोस्तों, इस तरह मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है, यानी कि मनुष्य की उम्र के केवल 40 वर्ष ही इंसान के होते हैं, लेकिन फिर वो 60 सालों तक गधे की उम्र जीता है। 40 से 60 के बीच वो गधे की तरह अपने परिवार का बोझ उठाता है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। फिर मनुष्य 60 से 80 वर्ष का जीवन एक कुत्ते की तरह व्यतीत करता है। इस उम्र में उसे घर के एक कोने में चारपाई दे दी जाती है जहां वो पड़ा रहता है, और उसी जगह पर उस व्यक्ति को खाना, पानी आदि दे दिया जाता है। अगर कोई घर में मिलने आता है तो वो अपने घर वालों को आवाज देता है कि देखो कोई आया है, फिर भी उसकी आवाज सुनकर सभी अनसुना कर देते हैं। इसके बाद 80 से 100 वर्ष का जीवन वो एक उल्लू की तरह व्यतीत करता है, क्योंकि रात के घने अंधेरे में भी उसे नींद नहीं आती। इस उम्र में ना तो वो चिल्ला सकता है और ना ही किसी को बुला सकता है, वो बस एक उल्लू की तरह टुकुर टुकुर देखता रहता है, और ऐसा करते करते एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है।